हरे कृष्ण। एक शरणागति भजन गाएंगे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का, कि जाने की बोले कि जाने की बोले तुम्हार धामते कि जाने की बोले तुम्हार धाम ते होइनु शरणागत होइनु शरणागत कि जाने की बोले तुम्हार धाम ते कि जाने की बोले तुम्हार धाम ते होइनु शरणागत होइनु शरणागत তুমি দয়াময় পতিত পাবন তুমি দয়াময় পতিত তারণে রত পতিত তরণে রত কি জানি কি বলে তোমার ধামেতে কি জানি কি বলে তোমার ধামেতে হইনু শরণাগত হইনু শরণাগত ভরসা আমার এইমাত্র নাথ ভরসা তুমি তো করুণাময় তুমি তো তব দয়া পাত্র নাহি মোর সম তব অবশ্য ঘুচিবে ভয় অবশ্য ঘুচিবে ভয় কি জানি কি বলে তোমার ধামেতে কি জানি কি বলে তোমার ধামেতে হইনু শরণাগত হইনু শরণাগত আমারে তারিতে কাহার সকতি আমার
अबनि भीतरे नहीं अबनि भीतरे नहीं दयाल ठाकुर घोषणा तो मार दयाल ठाकुर अधम पामरे त्राही अधम पामरे त्राही की जान की बोले तुमार धामेते की जान की बोले तुमार धामेते हाइनो शरणागत हाइनो शरण सकल छाड़िया आसी आछी आमी सकल तुमार चरणे नाथ तुमार चरणे नाथ आमी नित्य दास तुमी पलायत आमी तुमी गुप्त जगन्नाथ तुमी गुप्त जगन्नाथ की जान की बोले तुमार धामेते की जान की बोले तुमार धामेते हाइनो शरणागत हाइनो तुमार सकल आमी मात्र दास तुमार आमारे तारीबे तुमी आमार तारीबे तुमी तुमार चरण करिनु बरन तुमार चरण करिनु बरन आमार नाही तो आमी आमार नाही तो आमी की जान की बोले तुमार धामेते की जान की तुमार
भइनु शरणागत भइनु शरण भक्ति विनोद कान्दिया शरण भक्ति विनोद कान्दिया शरण लए छे तुमार पाए लए छे तुमार पाम क्षमी अपराध नामे रुचि दिया क्षमी क्षमि अपराध नामे रुचि दिया क्षमि अप पालन करयता पालन करयता की जानी की बले तुमार धामे ते की जानी की होइनु शरणागत होइनु तुमि दयामय पतित पावन पतित तार निरत पतित तार निरत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय भक्ति विनोद ठाकुर जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जय भक्ति विनोद ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय
নিতাই গৌড়া হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌড় হরি বল নিতাই शिष्य हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शताब्दी चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवडी संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत इस डिवाइन ग्रेस शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शील प्रभुपाद की जय। साक्षात वैराग्य मूर्ति शील गौर केसर दास बाबाजी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। सिरूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री भगोपाल भट्ट दास रघुनाथ सड़ गोस्वामी प्रभुवृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। गंगा मैया मनमाई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। इस्कॉन द्वारका की जय। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौरनिताय की जय। ग्रंथराशि चैतन्य चरितामृत की जय। ग्रंथराशि मद भागवतम की जय। भगवद्वाणी भगवद्गीता यथारूप की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरुवन गौर रंगम। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततों जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराशि मद भागवतम स्कंद 3 अध्याय 24। अध्याय के शीर्षक है कर्दमनी का वैराग्य। श्लोक संख्या 35। श्लोक बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप पाठ कर सकते हैं पीछे। श्री भगवान उवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अथा जानी मया तुभ्यं जद्वोच अमृतं मुने। श्री भगवान उवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अथा जानी मया तुभ्यं यद्वोच अमृतं मुने। श्री भगवान उवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अथा जानी मया तुभ्यं यद्वोच अमृतं मुने।
मया प्रोक्त ही लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अथा जनि मया तुभ्यं यद्वोचमृतं मुने श्री भगवान उवाच मया प्रोक्त ही लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अथा जनि मया तुभ्यं यद्वोच अमृतं मुने माताजी श्री भगवान उवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलोकिके यथा जनि मया तुभ्यं यद्वोच अमृतं मुने शब्दानुवाद अनुवाद तात्पर्य परमादरणीय कृष्ण कृपामृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कृपया शब्दानुवाद पीछे दोहराने का प्रयास करें। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा मया मेरे द्वारा प्रोक्तम कहा गया ही वास्तव में लोकस्य मनुष्यों के लिए प्रमाणम प्रमाण मानदंड सत्य शास्त्रोक्त वैदिक लौकिके तथा सामान्य बोली में अथह अतः अजनी जन्म लिया मया मेरे द्वारा तुभ्यम तुमको यत जो अवोचम मैंने कहा ऋतुम सत्य मुने हे मुनि। अनुवाद भगवान कपिल ने कहा मैं जो भी प्रत्यक्ष रूप में या शास्त्रों में कहता हूँ वो संसार के लोगों के लिए सभी प्रकार से प्रामाणिक है। ये मुने चूंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा अतः उसी को सत्य करने हेतु मैंने अवतार लिया है। तो फिर अनुवाद पीछे दोहराने का प्रयास करें। भगवान कपिल ने कहा मैं जो भी प्रत्यक्ष रूप से या शास्त्रों में कहता हूँ वो संसार के लोगों के लिए सभी प्रकार से प्रामाणिक है। हे मुने चूंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारे पुत्र बनूंगा अतः उसी को सत्य करने हेतु मैंने अवतार लिया है। तात्पर्य कृपया श्रवण करें। भगवान की सेवा में पूर्णतया तत्पर रहने के लिए कर्दम मुनि अपना परिवार त्याग रहे थे किंतु उन्हें यह ज्ञात था कि भगवान स्वयं कपिल रूप में उनके घर में उनके पुत्र बनकर जन्म ले चुके हैं। तो फिर वे आत्म साक्षात्कार या ईश्वर बोध को खोज के लिए क्यों कर अपना घर छोड़ने जा रहे थे? जब भगवान स्वयं उनके घर में विद्यमान थे तो एक घर क्यों छोड़े, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि जो कुछ वेदों में कथित है और जो कुछ लोकों में प्रचलित है उसे ही प्रामाणिक मानना चाहिए। वैदिक प्रमाण के अनुसार 50वें वर्ष में गृहस्थ को गृह त्याग कर देना चाहिए। पंसार स्वर्धम वनं व्रजेत, मनुष्य को 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद गृहस्थ जीवन त्याग कर वन में प्रवेश करना चाहिए। यह वेदों का प्रामाणिक कथन है। जो सामाजिक जीवन के कर्मानुसार चार विभाग ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास पर आश्रित है। कर्दम मुनि ने विभाग के पूर्व ब्रह्मचारी रहकर कठोर योग साधना की थी और इतनी योग शक्ति प्राप्त कर ली थी कि उनके पिता ब्रह्मा ने उन्हें ब्याह करके गृहस्थ बनकर संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया। कर्दम ने वह भी किया, उनके 9 उत्तम कन्याएं तथा 1 पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उनका गृहस्थ जीवन भी सुचारू रूप से बीत गया और अब उनको गृहत्याग करना था। यद्यपि उन्हें पुत्र रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मिल गए थे तो भी उन्हें वेदों के प्रमाण को आदर करना था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। भले क्यों न किसी को अपने घर में पुत्र रूप में भगवान प्राप्त हो फिर भी उसे वैदिक आदेशों को पालन करना चाहिए। कहा गया है महाजनो जिन गतस्य पंथा, मनुष्य को चाहिए महापुरुषों द्वारा ग्रहण किए गए पथों का अनुसरण करे। कर्दम मुनि का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है।
क्योंकि पुत्र रूप में श्री भगवान को प्राप्त करके भी वैदिक आज्ञाओं के पालन हेतु उन्होंने घर को छोड़ दिया। यहाँ कर्दम मुनि अपने गृह त्याग का मुख्य प्रयोजन बताते हैं। संसार का भ्रमण करते हुए वो अपने हृदय में श्री भगवान का निरंतर स्मरण करते रहेंगे और इस प्रकार समस्त भवचिंताओं से मुक्त रहेंगे। कलयुग में संन्यास वर्जित है, क्योंकि इस युग में युग के सारे मनुष्य शूद्र है और वे संन्यास जीवन के विधि विधानों को ठीक से पालन नहीं कर सकते। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि तथाकथित सन्यासी भी कभी कभी स्त्रियों के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। यह इस युग के अत्यंत अप्रिय स्थिति है। यद्यपि वे सन्यासियों का वस्त्र धारण करते हैं, किंतु ये जीवन के चार प्रकार के पापों, अवैध यौनाचार, मांसभक्षण, मद्यपान तथा द्वित क्रीड़ा से अपने को मुक्त नहीं रख सकते। चूंकि वे इन चारों से बच नहीं पाते, अतः वे स्वामी बनकर जनता को ठगते रहते हैं। कलयुग में यह आदेश है कि कोई सन्यास न ग्रहण करे। निसंदेह जो विधि विधानों का ठीक से पालन कर सकते हैं वे सन्यासी बन सकते हैं। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। जगन्नाथ बलदेव सुद्राम महारानी की, गौर निताय की, चिल प्रभुपाद की। निसंदेह जो विधि विधानों का ठीक से पालन कर सकते हैं वे सन्यासी बन सकते हैं, किंतु सामान्यतः लोग सन्यास जीवन स्वीकार करने से अक्षम रहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बलपूर्वक कहा, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। इस युग में भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उच्चारण के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। सन्यास जीवन का मुख्य उद्देश्य है, चाहे हृदय में भगवान का मनन करे या कानों से श्रवण करके परमेश्वर का निरंतर साहचर्य प्राप्त करे। इस युग में मनन की अपेक्षा श्रवण करना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानसिक विक्षोभ के कारण मनन में बाधा पहुंच सकती है, किंतु यदि सुनने में ध्यान केंद्रित रहे तो उसे बाध्य होकर कृष्ण कृष्ण का ध्वनि से साहचर्य स्थापित करना पड़ेगा। श्री कृष्ण तथा कृष्ण की ध्वनि का उच्चारण अभिन्न है, अतः यदि कोई जोर से हरे कृष्ण का उच्चारण करता है तो वह तुरंत श्री कृष्ण का मनन कर सकेगा। यह युग में आत्म साक्षात्कार के लिए कीर्तन जप की यही विधि सर्वश्रेष्ठ है। अतः भगवान चैतन्य ने समग्र मानवता के कल्याण के लिए इसी का उपदेश दिया। ओं अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानुतंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री भगवान उवाच, मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अथा जानि मया तुभ्यं जदोवच मृतं मुने। भगवान कपिल ने कहा, मैं जो भी प्रत्येक रूप से या शास्त्रों में कहता हूँ वो संसार के लोगों के लिए सभी प्रकार से प्रामाणिक है। यह मुने, हे मुने, चूंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारे पुत्र बनूंगा, अतः उसी के सत्य को उसी को सत्य करने हेतु मैंने अवतार लिया है। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवत कक्षा में। तो अध्याय के शीर्षक है कर्दम मुनि के वैराग्य। तो अलग अलग वैराग्य के बारे में हम ग्रंथों में पढ़ते हैं।
फल्गु वैराग्य, स्मशान वैराग्य, युक्त वैराग्य, तो अलग अलग प्रकार की वैराग्य है। तो यहाँ पर कर्दम मुनि के जो वैराग्य है वो स्वाभाविक वैराग्य है, मर्कट वैराग्य। एक वैराग्य है मर्कट, बंदर को क्या कहते हैं, मर्कट कहते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास कर रहे थे, तो महाप्रभु बोले रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को कि मर्कट वैराग्य नहीं करना, बंदर की तरह वैराग्य नहीं करना। एक भक्त बड़ी सुंदर प्रसंग बताते थे, प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार बंदर लोग सोचे कि एकादशी करना है कल, हाँ तो मुंह में रख लेते हैं, हाँ खाने पीने कल मिलेगा नहीं मिलेगा, इस प्रकार के वैराग्य है। तो बंदर की वैराग्य किस प्रकार से है, बंदर वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, शाकाहारी है, लेकिन बंदरिया देखने से सब कुछ खो देते हैं, ये बंदर की दशा है। तो इसे वैराग्य नहीं करना है। कभी कभी लोग घर बार छोड़ देते हैं, लेकिन धाम या तीर्थस्थली में पहुंचने के बाद वही चीज याद आता है, हाँ मेरे घर में क्या चल रहा होगा। आजकल तो हमारे कलयुग के विशेष दूत हैं, वो संदेश देते रहते हैं, लेकिन जब तक कोई पूरी रूप से वैराग नहीं होता है, नकली वैराग करने की आवश्यकता नहीं है। बाय डिवोशन ऑटोमेटिकली ज्ञान वैराग्य कम्स। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनेति आसु वैराग्यम ज्ञान च्युतत अहेतुकम। ग्रेजुअली जैसे ही दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा तो व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक वैराग्य आएगा। वैराग बाहर से नहीं, बाहरी वैराग करना बड़ा सरल है, लेकिन अंदर में दिव्य ज्ञान स्थापित होते हुए वो वैराग को पलाना बड़ा कठिन है। वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली हैपेंस, नेचुरली द रिनाउंसिएशन कम्स। तो ये आदर्श वैराग्य जो कर्दम मुनि के चरित्र में देख रहे हैं कि साक्षात परम भगवान पुत्र रूप में उनमें के घर में है। तो संसारिक व्यक्ति अपने पुत्र पत्नी बच्चा घर सबसे आसक्त रहता है। तो इसी अवस्था में अगर अपरिपक्व अवस्था में घर छोड़ दे, कुछ विधि विधान नहीं है, तभी उसके मति भगवान में नहीं लगेगा, पुनः खींच के ही आ जाएगा। तो इसलिए हम तय प्रस्तुतिकरण करते हैं। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत जो आश्रम जीवन प्रणाली है, जो चार आश्रम विधि है, उस दौरान हम तैयारी करते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी धीरे धीरे प्रगतिशील होते हैं, तब कोई संन्यास ले पाता है। तो यहाँ पर संन्यास की वर्जन की गई है और संन्यास लेने की विधि कही गई है। इस भौतिक संसार में हम चीज को एक ही तरह से समझते हैं, संन्यास लेने का मना की गई है दिस मैटेरियल अंडरस्टैंडिंग, नहीं संन्यास लेने की भी विधि है। संन्यास लेने की मना क्यों कही गई है कि आप वास्तविक योग्य बनिए, धीरे धीरे परिपक्व होइए, हृदय को वैराग करिए, इंद्रिय संयमित करिए, तो संन्यास की अवस्था धीरे धीरे आ सकता है। जब मन वाणी शरीर से भगवान की सेवा में संलग्न होंगे तो आप संन्यास ले सकते हैं। इह जस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सउच्यते। तो संन्यास अवस्था कैसा है, जब व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। मुक्त मतलब घर में रहते हुए भी आकर्षण नहीं, संसार में रहते हुए आकर्षण नहीं, ये संन्यास की असली अवस्था है, मुक्त अवस्था है। तो चैतन्य महाप्रभु दोनों एंगल को दिखा रहे हैं कि संन्यास लेना भी कठिन है, संन्यास के नियम पालन करना भी कठिन है, लेकिन संन्यास अवस्था को व्यक्ति स्वाभाविक भक्ति करते करते भी प्राप्त कर जाएगा। कई दृष्टांत है जो प्रभुपाद कहते हैं, किसी गृहस्थ के सुंदर पत्नी हो और दोनों अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, उस अवस्था ऐसे आदर्श गृहस्थ भी संन्यास से श्रेष्ठ हैं, कि भक्ति के नियम को पालन कर पा रहे हैं, मतलब आप संन्यास से श्रेष्ठ हैं। तो प्रभुपाद एक स्थान पर हमें परमहंस अवस्था भी पहुंचा देते हैं। कोई अगर भगवान के बारे में सुनता है निरंतर और भगवत संदेश को धारण करता है, वो भी परमहंस कहलाता है। तो परमहंस ऐसा नहीं कि कुटिचक, बहुदक, परिव्राजक, परमहंस अवस्था में आएंगे। कलयुग के प्रभाव प्रभुपाद के कृपा से कोई श्रवण प्रक्रिया के द्वारा, जो नवविधा भक्ति के प्रक्रिया के द्वारा कोई साक्षात परमहंस अवस्था आपको प्राप्त कर सकता है। परमहंस किसे कहते हैं, हंस की तरह है, कैसा, हंस की जैसे स्वभाव है, जो दूध और जल से दूध को छांट लेता है। तो व्यक्ति संसार में रहने के दौरान संसार से आसक्त नहीं रहता है, इसलिए इसे भक्तों को कहा जाता है परमहंस, जैसे कमल के स्वभाव है, पद्म के स्वभाव है, पद्म जल में रहते हुए भी प्रभावित नहीं होता है, या जल को स्पर्श नहीं करता, कीचड़ों को स्पर्श नहीं करता, तो परमहंस की स्थिति यही है, वो संसार में रहता है लेकिन संसार से अनासक्त है। तो संन्यास वर्जित भी है, कलयुग में योग्य व्यक्ति को संन्यास लेना चाहिए,
और कोई भी भक्ति प्रक्रिया पालन करते करते वो सन्यास अवस्था को स्वतः प्राप्त कर जाए, सन्यास से भी ऊपर परमहंस अवस्था को प्राप्त कर जाता है। तो प्रभुपाद एक स्थान पर कहते हैं, आई थिंक 112 और 113 परपट्स में, बाय ईगरली रिसीविंग दिस मैसेज वन कम टू द स्टेज ऑफ परमहंस, ग्रेजुअली हियरिंग एंड रिसीविंग द मैसेज, निरंतर रूप से श्रवण करना और भगवान संदेश को धारण करने से कोई परमहंस अवस्था को तुरंत पहुंच जाता है। तो ये जो श्लोक की व्याख्यान प्रभुपाद कर रहे हैं, खाली सन्यासी की बाहरी वस्त्र बदलने से काम नहीं बनेगा, कुछ प्रक्रिया होना चाहिए। अनेक स्थिति पे देखा जाता है कि व्यक्ति सब घर परिवार छोड़ के कहीं मठ में रहने लगता है, कहीं स्थान में चले जाता है, वो कृत्रिम वैराग्य का प्रयोग करता है, छोड़ देता है, लेकिन पुनः उसको वही शक्ति सताता है, वहाँ भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं एक बार जगन्नाथपुरी में गौड़िया मठ में गया, वो व्यक्ति बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, कहीं रेलवे में अफसर थे, सब छोड़ छाड़ के आए हैं, बोलते यहाँ बंगाली उड़िया में लड़ाई होता है। मैं बोला अपने मन को स्थिर रखने के लिए आप आए थे, इस सांसारिक चीज़ को त्याग करने आए थे, तो आप यहीं फिर अटक गए। यहाँ भी राजनीति है। तो जो व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता है, वो कहीं भी जाए उसको कीचड़ की जैसे लगेगा। इसलिए शास्त्र में प्रभुपाद के तात्पर्य में बार बार आपको लक्ष्य बताई जा रही है। ऐसे लक्ष्य तो संन्यास नहीं है, संन्यास एक आश्रम है। जब चार आश्रम के बारे में वर्णन की जाती है कि भक्ति संन्यास आश्रम से भी परे है, कोई किसी अवस्था में भक्ति कर सकता है, लेकिन हाँ एक आश्रम वो स्थान है जहाँ भक्ति के अनुशीलन किया जाता है। तो समाज में मार्गदर्शन हेतु संन्यास आश्रम अनिवार्य है, कि अदर कैटेगरीज ऑफ पीपल विल रेस्पेक्ट टू द सन्यासी एंड लिसन टू हिम, इसलिए संन्यास की आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु इसलिए संन्यास लिए कि मेरे कोई सुनता नहीं है, संन्यास लूंगा तो सब मेरी बात सुनने लगेंगे। तो लॉर्ड हियर लॉर्ड पर्सनली टेलिंग, लाइक साक्षात भगवान बोल रहे हैं। आप सोचिए आपके सामने आप खड़े हैं और भगवान आपको बोल रहे हैं, श्लोक ऐसा ही है। हमें अनुभव नहीं होता है, कुछ चल रहा है, दुनिया के ड्रामा चल रहा है, कथा कहानी चल रहा है, साक्षात भगवान आ जाए और आपको बोले मैं जो बोल रहा हूँ या जो शास्त्र में बोला हूँ वो प्रामाणिक है, वो सत्य है, वो लौकिक बातें हो या मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य बात है, ये कर्दमुनि को बोल रहे हैं। ये जो भगवान की वाणी और भगवान अभिन्न है, ये शब्द ध्वनि भगवान से अभिन्न है, इसी के अनुभव होना चाहिए कि जो मैं सुन रहा हूँ, ये जो प्रसंग सुन रहा हूँ, ये प्रसंग सुनना, ये शब्द ध्वनि भगवान से अभिन्न है, ये साक्षात भागवतम भी भगवान से अभिन्न है। तो श्रवण के द्वारा भी व्यक्ति वो चरम अवस्था को प्राप्त कर सकता है, फिर भी संन्यास लेने की आवश्यकता है कि संसार में ऐसे लोगों को दिशा प्रदान करने के लिए जो आश्रम प्रणाली की श्रेष्ठ अवस्था है, संन्यास को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन कैसे लोग संन्यास स्वीकार करेंगे? जो विधि विधानों का ठीक से पालन कर पाएंगे, क्योंकि सन्यासी समाज में आदर्श होगा, इज आइडियल लीडर, पीपल विल बी फॉलोइंग इन हिज फुटस्टेप। सन्यासी र अल्प छिद्रे बहु करी माने, एक स्थान पर चैतन्य चरितामृत में आता है कि जिस प्रकार सफेद कपड़े में अगर स्याही डल जाए, इंक गिर जाता है, छुपा नहीं सकते हैं, तो इसी प्रकार सन्यासी अगर कुछ कार्य करता है लोग उसको देखते हैं। सन्यासी र अल्प छिद्र बहु करी माने, शुक्ल वस्त्रे मासी बिंदु जेनो न लुकाए, सन्यासी अल्प छिद्र बहु करी गाए, एक प्यार है कि जिस प्रकार सफेद कपड़े में, शुक्ल वस्त्रे मासी बिंदु, सफेद कपड़े में जिस प्रकार स्याही गिर जाने से, इंक गिर जाने से छुपाया नहीं जा सकता है, सन्यासी रे अल्प छिद्रे बहु करी गाए, कुछ त्रुटियां रहेगी, गड़बड़ रहेगी तो लोग उसको बहुत बड़ा बड़ा कर बोलेंगे। तो संन्यास धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में संन्यास दिया जाता है, बाकी संस्था में तो बड़ी तुरंत दे देते हैं, लेकिन इस्कॉन में परिपक्व अवस्था में संन्यास अवार्ड किया जाता है। बहुत सारे विधि विधान हैं, व्यक्ति को वेटिंग भी रखा जाता है, उसको मेंटर दिया जाता है, उसके कार्यकलाप की निगरानी रखा जाता है, योग्य पाया जाता है, सारे इंटरव्यू प्रणाली प्रार करने के बाद तब संन्यासी अवार्ड किया जाता है, तभी वो आदर्श बनता है। कि संन्यास के नियम के तहत चैतन्य महाप्रभु के जो प्रसंग में आता है, संन्यास अभय होता है, निर्भय होता है, कई स्थान में जा सकता है, जैसे हमारे सन्यासी लोग अफ्रीका में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, क्रिश्चियन प्रवण स्थान, इस्लाम प्रवण स्थान में जाते हैं, अभय रहते हैं, भयभीत नहीं होते हैं, मृत्यु की भय है, लोग मारने की भय है, ये वस्त्र देखकर लोग ईर्ष्या करते हैं, ये भगवान के लिए वो इस कठिनाई को उठाता है, ऐसे भक्त प्रिय है भगवान को। जो भगवान के लिए ये बेड़ा उठाता है, जगत कल्याण है, तो जानता है मेरी जान को खतरा है। अफ्रीकन कंट्री में there are cannibals who eat animal human beings also,
तो वहां भी भक्त लोग जाके प्रचार करते हैं, भगवान के मिशन को आगे लेने के लिए से कठिनाई उठाते हैं, मृत्यु की परवाह नहीं करते हैं। हाँ, तो सन्यासी इस प्रकार रिक्स लेते हैं। तो सन्यासी कौन है ना, जो दंड नहीं धारण करता है। दंड के तहत जो तीन नियम है कि काय मनो वाक्य से भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहेगा। तीन प्रकार से, मन से, वाणी से, शरीर से, भगवान की काय मनो वाक्य से भगवान की सेवा में संलग्न होगा। तो इसी का अभ्यास वो ब्रह्मचारी स्थिति में करता है और धीरे धीरे परिपक्व होता है तो सन्यास दंड धारण कर सकता है। इसके बावजूद सन्यासी, मायावादी सन्यासी जो कहते हैं नमो नारायण भगवान बन जाते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी जो है वो गुरु के दास बना रहता है। इस स्थिति को छोड़ दे तो स्थिति से गिर जाता है। ये भी विधि है सन्यास का, he always remains as a humble eternal servant of the spiritual master, then he can maintain otherwise. तो प्रभुपाद एक बार सन्यास अवार्ड दे रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद को मिशन बढ़ाना था, देखते थे कि लोग परिपक्व नहीं है, मुझे सन्यास देना ही पड़ेगा। कुछ कुछ परिपक्व लोग थे जिनको सन्यास प्रभुपाद दिए, कुछ कुछ लोगों को जो प्रभुपाद देते थे अपरिपक्व अवस्था में, प्रभुपाद कहते थे कि सन्यास धारण किए मतलब आपको असावधानी हट गई, ऐसा नहीं है, आपको बहुत सावधानी बरतना है अभी। डोंट थिंक दैट यू आर फ्री फ्रॉम मैटेरियल डिजीजेस, द मैटेरियल डिजीज विल स्टिल देयर एज लॉन्ग एज यू आर इन दिस वर्ल्ड। इस भौतिक संसार में जब तक हो तब तक इस भौतिक बीमारी रहेगी, आपको सावधानी बरतना है, माया किसी समय ग्रसित करेगा। तो हमें संन्यास दंड लेने के बाद भी सावधानी बढ़ जाता है, माया का आक्रमण बढ़ जाता है। कहते हैं जब भक्त प्रगतिशील होता है उसको देवता परीक्षा करते हैं, कठिनाई डालते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर धीरे धीरे भजन में परिपक्व होते हैं तो साक्षात माया देवी टेस्ट करने आते हैं, लेकिन वो क्योंकि पूर्णतया चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रय लिए थे इसे माया के टेस्ट को पार कर जाते हैं। तो जितना आप बेड़ा उठाते हैं परीक्षा भी और कठिन है। लेकिन भक्त खुशी खुशी भगवान के मिशन के लिए ऐसे कठिनाइयों को स्वीकार करता है, हैप्पीली एक्सेप्ट्स लाइक ट्रबल। तो प्रभुपाद बोले कि इस प्रकार एक भक्त के प्रसंग आता है कि एक भक्त प्रभुपाद के पास आए, प्रभुपाद मुझे लग रहा है मुझे और भौतिक इच्छाएं नहीं रह गया। प्रभुपाद बोले पागल है ये, इसको साइकियाट्रिस्ट के पास लो, क्योंकि मनस्तत्वविद के पास लो, हाउ कैन ही बिकम फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स, ही इज नॉट टेकिंग भक्ति सीरियसली, के पागल हो गया है। तो प्रभुपाद इज वेरी स्ट्रिक्ट एक्चुअली, क्या भक्ति कर रहे हो कि भौतिक चला गया प्रकृति, भक्ति स्थिति, भौतिक इच्छाएं चला गया। सो मिशन को बढ़ाने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान गीता में भी कहते हैं जो ये संदेश को प्रचार करता है वो सबसे प्रिय है। तो भगवान के मिशन को और भगवान के प्रिय पात्र बनने के लिए वो इस कठिनाई को उठाता है, तकलीफ को उठाता है। तो अनेक स्थान पर देखा जाता है सन्यासी अपनी स्थिति से कभी कभी च्युत हो जाता है। अगर आप बाकी संप्रदाय में देखेंगे उसको समाज रिजेक्ट कर देता है, इसको भांटासी सन्यासी कहते हैं, भांटासी हु क्विट्स द पाथ, जो अपने स्थिति को छोड़कर पुनः कोई और जीवन में चला जाता है। लेकिन प्रभुपाद इज मोर कंपैशनेट, ही अलाउड लाइक टू कंटिन्यू इन द प्रोसेस। बाकी जो संप्रदाय में काला करके छोड़ देंगे, जा तेरा और जरूरत नहीं यहाँ, लेकिन द लॉर्ड चैतन्य एंड देयर एसोसिएट्स वेरी कंपैशनेट, स्टिल दे एक्सेप्ट्स लाइक। तो प्रभुपाद की इस आंदोलन में बहुत सारे सन्यासी भी फर्दर गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करके, तो वो वास्तविक असली भक्त है जो ये आश्रम विधि से भी परे उठकर भगवान के चरण कमल का आश्रय लिया है। तो ये कोई बाधा नहीं है वास्तविक। तो प्रभुपाद एक बार विष्णुजन महाराज प्रभुपाद के साथ चल के जा रहे थे मायापुर में, तो विष्णुजन महाराज एकांत में प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद कोई सन्यासी है, सन्यासी के नियम के तहत वो तो काय मनो वाक्य से निरंतर भगवान के चिंतन करना चाहिए, किसी के मन में अगर स्त्री का विकार आए क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलने लगे, स्ट्रिक्ट नियम को पहले बोले, सॉफ्ट नियम को बाद में बोलने के दौरान विष्णुजन महाराज वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। प्रभुपाद फास्ट एक्सप्लेन द स्ट्रिक्ट वन, कि किस प्रकार छोटा हरिदास को चैतन्य महाप्रभु रिजेक्ट कर देते हैं सेवा से, इतना ही सुन पाए विष्णुजन महाराज। प्रभुपाद जो दोबारा खोजते हैं विष्णुजन महाराज उस स्थान पर नहीं थे, पर प्रभुपाद बोले बट लॉर्ड चैतन्य इज मोर कंपैशनेट लाइक, आई एम नॉट लाइक लॉर्ड चैतन्य। प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, आप पुनः प्रक्रिया को गंभीरता से ले सकते हैं। तो इस प्रकार सन्यास वर्जित भी है और सन्यास लेने की भी विधि है। चैतन्य महाप्रभु भी सन्यास ग्रहण किए थे, उनके नवयुवती माता जी विष्णुप्रिया माता होते हुए
और उनके माता सच्ची माता को आवश्यकता होते हुए भी जगत कल्याण के लिए नाम वितरण करने के लिए भगवान की दिव्य शिक्षाओं के प्रसार के लिए महाप्रभु संन्यास स्वीकार करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी इस संन्यास विधि को लाते हैं श्री संप्रदाय से, कि पहले तो बाबा जी वेश धारण करके सब भ्रमण करते थे, लेकिन प्रचार हेतु संन्यास आवश्यक है। तो कोई संन्यास लेता है शौक के लिए नहीं है? या रोटी, यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं बहुत सारे सन्यासी साधु संत है जो जीवन गुजारे के लिए वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो ये कपड़े कोई भालू नहीं रहा, कोई भी पहन लेते हैं, कोई भी पहन लेते हैं, पंडित जी बनने के लिए भी लेते हैं, लेकिन ये वस्त्र की स्पेशलिटी है। हाँ, तो संन्यास इसी लेते हैं कि भगवान की वाणी की प्रचार हेतु, दिस द पर्पस। तो संन्यास लेने की मूड क्या है, संन्यास लेने के उद्देश्य क्या है, ये सारा संन्यास मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। ये सारे क्वालिफाई करने के बाद किसी को संन्यास दंड अवार्ड की जाती है। इसलिए हमारी प्रक्रिया में किसी को जब दीक्षा भी दी जाती है आईडी कोर्स कराए जाते हैं कि क्यों दीक्षा ले रहे हैं। बहुत सारे लोग दीक्षा लेने के लिए लालायित होते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के कारण पता होना चाहिए, इसलिए ट्रेनिंग प्रक्रिया है, क्यों दीक्षा ले रहे हैं, क्या जीवन के लक्ष्य है, गुरु की आवश्यकता क्या है, ये सब जानकारी होना चाहिए। तो इसी प्रकार संन्यास लेने के लिए भी व्यक्ति को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और धीरे धीरे ब्रह्मचर्य के दौरान वो संन्यास की और आगे बढ़ता है, इंद्रियों पे संयमन धीरे धीरे करता है, मन संयम, इंद्रियम संयम, शास्त्र की विधि विधान, हम्बल सर्वेंट की मूड इसको धारण करते करते परिपक्व होता है, तो फिर वो संन्यास दंड को धारण कर सकता है और मन वाणी शरीर से निरंतर भगवान की सेवा में संलग्न हो सकता है। तो कर्दम मुनि कि आदर्श वैराग्य यहाँ प्रदर्शित हो रहा है, वो कोई नकली वैराग्य नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद इसको तात्पर्य को शुरू करते हैं, जिनके घर में साक्षात भगवान विराजमान हैं, अरे सन्यास लेने की क्या आवश्यकता है, यही तो लक्ष्य है, मेरे प्रभु मेरे घर में बैठे हैं और जाने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी कर्दमनी घर छोड़ के जा रहे हैं वैदिक विधि विधानों को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, इज एग्जाम्पलरी लाइक आइडियल एग्जाम्पल। नहीं कोई बोलेगा प्रभु घर में तो भगवान है, पुत्र रूप में आए हैं, उन्हीं को तो प्राप्त करने के लिए आप संन्यास भक्ति पालन कर रहे थे, आए हुए हैं ना, उसे भी परे कुछ है। तो इसीलिए ये जो शास्त्र है, आचार्यों को दिशा निर्देशन है, वो हमें और परिपक्व बनाता है। इसलिए समाज में दिशा निर्देशन की आवश्यकता, गाइडेंस इज नीडेड। लोग विचलित हो जाएंगे, अरे प्रभु भगवान को पाना था, भगवान तो पुत्र रूप में आए हैं, और जाने की आवश्यकता नहीं है, घर 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 गृहस्थ मस्ती मौज मस्ती करेंगे ना। अगेन ही इज टेकिंग बाव लाइक। तो सन्यासी करता क्या है, वो भ्रमण करता है हृदय में भगवान को धारण करते हुए। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है, आप सुने होंगे, जो एक ब्राह्मण आता है जिसको जो महाप्रभु के साथ प्रसाद लीला करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र जब देखते हैं सन्यासी कोई गृहस्थ के घर में आए हैं, वो आनंदित हो जाते हैं। सन्यासी के कार्य यही है, वो भ्रमण करता रहता है। सन्यासी के जैसे चार अवस्था है, कल बताया जा रहा था आपको, कुटीचक, बहुदक, परिवराजक, परमहंस। तो हाईएस्ट स्टेज इज परमहंस। परिवराजक अवस्था में वो भ्रमण करता है, कुटीचक अवस्था में वो कुटिया बनाकर भजन करता है ग्राम के अलग स्थान पर बैठकर, दूसरी अवस्था में वो परिवराजक बनकर वो भ्रमण करता है। बहुदक मतलब अलग अलग तीर्थों में भ्रमण करना, बहु उदक तीर्थों में जाना। तो ये जो ब्राह्मण थे, तो ये जब गृहस्थ के घर जगन्नाथ मिश्र जो चैतन्य महाप्रभु साक्षात परम भगवान के पिता, वो प्रणाम करते हैं कि हम धन्य हो गए हैं आप हमारे घर आए हैं, इस प्रकार उनके स्वागत करते हैं, उनके चरण धोते हैं। सची माता और जगन्नाथ मिश्र मुख्य रूप से, स्त्रियों को तो जाना नहीं होता था, द वुमेन यूज टू बी इन द बैकग्राउंड। जगन्नाथ मिश्र जाकर उस ब्राह्मण तीर्थ ब्राह्मण के पैर प्रक्षालन करते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र पूछते हैं कैसे आगमन हुआ, हम बड़े अहोभाग्य हमारा है, आप कैसे आगमन हुआ आपका। तो ब्राह्मण कहते हैं मेरी मन मुझे सताता है, मैं इसलिए तीर्थों में भ्रमण करता रहता हूँ, अलग अलग तीर्थों के भ्रमण करता हूँ। तो वो अपने विग्रह को धारण करके अलग अलग तीर्थ के भ्रमण करते हैं। दैट ब्राह्मण कैरिंग द लॉर्ड इन हिज हार्ट, एक तो हृदय में भगवान परमात्मा वास करते हैं, जो विग्रह की सेवा करते हैं, अनेक आचार्यगण पोट्री क्या बोलेंगे उनको, बैग बनाकर थैला बनाकर गले में लटकाकर भ्रमण करते हैं। तो सन्यासी के ही कार्य है। लेकिन सन्यास की अलग अलग अवस्था है, लेकिन उसको अंतिम अवस्था में परमहंस अवस्था में आना है।
तो प्रभुपाद बड़ी हम्बली कहते हैं, जैसे कल चर्चा हो रहा था आप सुने होंगे, प्रभुपाद बोलते मैं इसलिए भ्रमण कर रहा हूँ कि आगे संसार भर के लोगों की जन्म चक्र में रखा बचा पाऊँ। आई एम ट्रैवर्सिंग टू सेव पीपल फ्रॉम ट्रैवर्सिंग फ्रॉम दिस 84 लाख स्पेसिस ऑफ लाइफ, मैं भ्रमण इसलिए कर रहा हूँ। तो ये श्लोक में हम देख रहे हैं कर्दम मुनि जो तपस्या ब्रह्मचारी थे, तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी प्रसन्न थे उनसे और ब्रह्मा जी आदेश देते हैं अभी आपको गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, वो मना नहीं करते हैं, खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। कोई जब गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करता है गुरु आचार्यों की कृपा से, वो गृहस्थ आश्रम ज़्यादा सुरक्षित होता है। लाइक सो कर्दम मुनि वेरी हैप्पीली एक्सेप्टिंग ब्रह्मा जी इंस्ट्रक्शंस टू एंटर इन टू गृहस्थ लाइफ टू जो प्रोजिनी सृष्टि को विस्तार करने के लिए। पुनः वो सरस्वती नदी के तट पर 10,000 साल तपस्या करते हैं और भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको साक्षात दर्शन देते हैं। तो भगवान की गुणगान करते हैं कर्दम मुनि और भगवान वचन देते हैं कि मेरी स्वांश रूप में मैं आपके घर में पुत्र रूप में जरूर आऊँगा। तो ये श्लोक जो आ रहा है कि कर्दम मुनि, इससे पहले अध्याय में, पिछले अध्याय में आप देखे होंगे किस प्रकार देवहूति माता शोकाकुल है कि कर्दम मुनि 9 कन्याएं प्रदान कर दिए हैं, अभी घर छोड़ के जाने की प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, लेकिन कर्दम मुनि माता देवहूति को आश्वासन दे रहे, नहीं चिंता मत करिए, जो आपके हृदय की बात मैं समझ पा रहा हूँ, देयर विल पोटेंशियल पीपल दे कैन अंडरस्टैंड हार्ट, किसी के मन पढ़ना हृदय पढ़ना आसान बात नहीं है, लेकिन ऐसे यौगिक शक्ति के द्वारा कर्दम मुनि अपने पत्नी देवहूति के हृदय में क्या चल रहा था और उसी के अनुसार उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। ये हस्बैंड की ड्यूटी है, जैसे दिस इज वेरी एलिवेटेड पोजिशन एक्चुअली। तो कर्दम मुनि समझ जाते हैं कि देवहूति माता वास्तविक क्या चाहते हैं, एक पुत्र संतान। पुंगनांग नरकाम इति त्रायते इति पुत्र, पुत्र की आवश्यकता क्या है, कोई फैशन नहीं है प्रभु, वैदिक विधि विधान में वर्णन किए पुत्र किसे कहते हैं, जो पुंग नामक नरक से अपने पूर्वजों को रक्षा करता है। पुंगनांग नरकांग इति त्रायते इति पुत्र। तो इसलिए अगले श्लोक में कहा जाता है पुत्रार्थे क्रियते भार्या, व्हाई अन एक्सेप्ट वाइफ टू गेट ए सन एक्चुअली। तो वो पुत्र क्या करता है ना, अपने पूर्वजों को नारकीय स्थिति से बचाता है। मेनी फोर फादर मेनी प्रेडिसेसर्स ऑफ द फैमिली आर स्टक इन द हेलिस प्लैनेट, द रोल ऑफ द सन विल बी ए डिवोटी, प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड, ए वैष्णव, सो ही बिकमिंग ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड विल अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, बाय दिस ही विल डिलीवर हिज मेनी जेनरेशंस। जैसे प्रहलाद महाराज के प्रसंग में आता है, तो हिरण्यकश्यप के बद्ध हो चुका है प्रहलाद महाराज, बड़ी मधुर ये से शब्दों से उत्तम श्लोकों से नरसिंह भगवान की गुणगान कर रहे हैं कि मेरी पिता जो है अज्ञान में थे, वो आपको समझ नहीं पाए, उनको क्षमा कर दीजिएगा। तो उसी स्थिति में नरसिंहदेव भगवान कहते हैं कि आप जो पूरी तरह से मेरी भक्ति में तल्लीन रहे, मग्न रहें, आपके पिता क्या, आपके 21 पीढ़ी का उद्धार होगा। तो कोई अगर भक्ति करता है उसे कई पीढ़ी कई जेनरेशन का उद्धार हो जाता है जो नारकीय दशा में है, मिनी विल बी डिलीवर्ड एक्चुअली। तो ये पुत्र के कार्य है, पुंगनांग नरकांग इति त्रायते इति पुत्र। और स्त्री लेने की आवश्यकता क्या है कि पुत्रार्थे कियते भार्या, कि पुत्र प्राप्त करने के लिए स्त्री लेते हैं, भार्या लेते हैं। तो यहाँ पर जो पिछला श्लोक चर्चा हो रहा था, कर्दम मुनि भी चिंतित थे कि कैसे मैं मुक्त स्थिति को प्राप्त करूंगा, कि अपने पूर्वजों की जिम्मेदारी से कैसे मुक्त होऊंगा, आप पुत्र रूप में आए हैं, आप मेरे को मुक्त अवस्था प्रदान कर रहे हैं। तो कोई भक्ति में संलग्न होता है, भगवान या गुरुजन के शरणागत होता है, तो तुरंत वो सारे ऋण से मुक्त हो जाता है। एवरीवन इज लोडेड विथ सम डेट्स, वी आर लोडेड विथ डेट्स, कर्ज से दबे हुए हैं, सो मेनी ऋण है हमारा, पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सो मेनी डेट्स। लेकिन हाउ टू मिटिगेट ऑल दिस ऋण, क्या बार बार जन्म लेंगे, बार बार ऋण चुकता करते रहेंगे, नहीं, देयर इज ए शॉर्टकट, देयर इज ए शॉर्टकट। देवर्षि भूताप्तम ऋणाम पितृणाम नाकिं करुणाय ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरण्यं शरण्यं गतो मुकुंद परिहर्त कर्तव्य। कोई अगर भगवान के चरणाश्रय ले ले, वो सारे ऋण से मुक्त हो जाता है, 1 point strike लाइक। नहीं तो कितने देव देवियों का ऋण चुकता करना असंभव व्यापार है, दिस शॉर्टकट। टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल डेट्स, सारे ऋण से मुक्त हो जाते हैं।
तो कर्दम मुनि को आश्वासना मिलती है कि आप आने से मैं पूरी तरह मुक्त स्थिति को अनुभव कर रहा हूँ। तो ये वैदिक सिद्धांत है, कभी कभी सिद्धांत हमें बाईपास कर जाता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु और सरल कर देते हैं कि कोई बात नहीं, आप हो सकता है इसको समझ नहीं पाए, तो भगवान के नाम आश्रय लीजिए, सारे पोटेंसी इसमें डाल दिए हैं। कले दोष निधे राजन अस्ति एक महद्गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परंग ब्रजेत। केवल कृष्ण कीर्तन करने से आप मुक्त हो गए, कि भगवान का आश्रय उनके नाम के द्वारा लिया जा सकता है। कुछ कर पाए नहीं कर पाए, कभी कभी समझ नहीं आता है प्रभु यीशु क्या है क्या करना है, कोई बात नहीं, जो समझ पाए और थोड़ा बुद्धिमान है, नहीं समझ पाए कोई खराबी नहीं है, नाम में इतने पोटेंसी है, केवल भगवान के नाम भी भगवान के आश्रय लिया जा सकता है। कले दोष निधे राजन, कलयुग दोष से भरा हुआ है, मन में दोष, शरीर में दोष, बीमारी, संसार में दोष, दोष ही दोष, लेकिन एक खास गुण है कलयुग का, देयर इज क्वालिटीज, इवन द कलयुग इज कंप्लीटली डिस्क्वालिफाइड बट वन क्वालिटी इज कलयुग हैव, व्हाट क्वालिटी इज, कीर्तनादेव कृष्णस्य, कोई और कृष्ण कीर्तन करता है, मुक्त संग परम ब्रजे, तुरंत मुक्त अवस्था को अनुभूति करता है, मुक्त स्थिति को प्राप्त करता है, सारे ऋण से मुक्त हो जाता है, सारे कष्टों से भी निवारण हो जाता है, एवरीथिंग। इसलिए इसको कहते हैं सर्व महाऔषधि, जैसे मेडिसिन, जैसे एक दवाई से सारे इलाज हो जाते हैं, सर्व महाऔषधि इसको बोलते हैं, इसलिए द नेम इज सो पोटेंट। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कि इसी कलयुग में सबकी कल्याण हेतु इस नाम प्रभु को लेकर आते हैं। तो प्रभुपाद आगे बताते हैं कि कलयुग में संन्यास लेने के साथ साथ कुछ विधि विधानों का पालन करना है, कि शुष्क मनन से बेहतर है भगवान के बारे में श्रवण करना, श्रवण बहुत आवश्यकता है, आवश्यक है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय, कि हृदय में जो कृष्ण प्रेम है वो स्वतः जागृत हो सकता है श्रवण के द्वारा। कि हो सकता है हमारा मन दूषित है, पारिपारिक स्थिति अच्छा नहीं है, मनन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन श्रवण करेंगे तो श्रवण भी आपको वही स्थिति प्रदान करेगा, क्योंकि श्रवण के द्वारा भी कोई चरम अवस्था को प्राप्त कर सकता है, आदर से प्रहलाद परीक्षित महाराज, श्रवणे परीक्षित, कीर्तने बयासा की, स्मरणे प्रहलाद, भक्ति के 9 अंग है, कोई एक अंग को बढ़िया सा ले लीजिए, आप चरम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सारे चीज इस नाम में भी है। भजन रे मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम दिते दोहरे शक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पावे प्रेमाधन, जो घूम फिर के पाएंगे इससे डायरेक्ट भी पा सकते हैं, सो पोटेंट, एक्चुअली सो पोटेंट, ये औषधि है, सर्व औषधि है। तो इसलिए श्रवण भी करेंगे कोई खराब नहीं, तो इसलिए प्रभुपाद सारे प्रक्रिया को रखते हैं, ये काम नहीं किया, किसी को श्रवण अच्छा लगता है, किसी को जॉब करना अच्छा नहीं लगता है, किसी को साधु संग अच्छा लगता है, कोई भी एक प्रक्रिया काम कर जाएगा, सो डोंट फील होपलेस, डिमोरलाइज्ड, लगे रहिए, डोंट लीव द सिप, द कैप्टन इज देयर, सीट इन द सिप, द कैप्टन विल टेक टू द डेस्टिनेशन। कभी कभी लोग चिंतित होते हैं ये कर पा रहे नहीं कर पा, कल जो क्या कर पाएंगे प्रभु, हाईली डिस्कॉल प्रभु जी सुबह से बोल रहे थे हरिनाम कोट्स, व्हाट इज आवर पोजिशन यू नो, लाइक नाम करते नींद आ जाता है, श्रवण करते मन भटकता है, क्या करेंगे, बट नेवर क्विट द स्टिप, द कैप्टन इज देयर टू डिलीवर। तो कुछ लोग तो कृष्ण की शिक्षा से भगवत गीता भागवत के माध्यम से इस भवसागर को पार करे, बड़ी बुद्धिमान श्रेणी के लोग है। दूसरे श्रेणी के लोग जो कुछ कर नहीं पाएंगे उनको चैतन्य महाप्रभु रक्षा करने आए, जो कुछ नहीं कर पाएंगे उनको चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त आए। जदि पापी देश छाड़ी दूरदेश जाए मोर सेनापति भक्त जाइव तथा आए, द पीपल हु कैनॉट डू एनीथिंग टेक शेल्टर ऑफ दिस प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्रील प्रभुपाद, ही कैन डिलीवर आउट ऑफ दिस साइंस। एक्चुअली जो कुछ नहीं कर पाएंगे उनको लेने के लिए ये आए चैतन्य महाप्रभु की सेनापति भक्त। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं लास्ट लाइन में, कृष्ण और कृष्ण की ध्वनि में कोई विभेद अंतर नहीं है, इक्विपोटेंट है, इक्विपोटेंट एक्चुअली। तो कृष्ण कीर्तन करेंगे स्वाभाविक कृष्ण का स्मरण आएगा, नेचुरली द रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण विल कम। इसलिए शिक्षाष्टकम दूसरे श्लोक क्या कहता है, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृता भगवन ममापि दुर्देव मिदृशमिहा जनिनानुरागम। कि ये नाम के द्वारा भगवान की स्मरण चिंतन किया जा सकता है,
तो होली नेम इज मीट फॉर सम पर्पसेस फॉर रिमेम्बरिंग लॉर्ड. नाम चिंतन भी बहुत लाभ देता है. कभी कभी लोग नाम को पूरी रूप से उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं. कलयुग में बहुत अयोग्यता है. टू बिकम फुल्ली चांट नोएम इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट समटाइम, बट डोंट फील डिस्करेज्ड. श्रीमद भागवतम कहता है कि आपन्न संस्कृति घोरम जन्नाम विवसो गुणान तत्सद्य विमुच्येत जद विभेति स्वयं भयम. कोई अगर ठीक से भी नहीं ले पा रहा है कोई बात नहीं, वो भी नाम प्रभु लाभ प्रदान करते हैं. कोई बात नहीं, आप कैसे कर पा रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोईते खाईते किसी अवस्था में नाम ले रहे हैं तो वास्तविक लाभ प्रदान करेगा. कलयुग इतने शक्तिशाली होते हुए भी विशेष गुण है इसका. विशेष गुण इसलिए है आप चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त किए हैं. तो इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहा करते थे सृष्टि में से समय नहीं रहा ना आएगा जो समय चैतन्य महाप्रभु की जो गोल्डन युग चल रहा है ये अवधि में जो लोग है वो सबसे भाग्यशाली है. द मोस्ट फॉर्चुनेट पीपल दो गेट दिस प्रोसेस इन द पर्टिकुलर टाइम कली संध्या. तो यहाँ कर्दम मुनि के प्रसंग में बहुत सारी शिक्षा मिलती है कैसे वो वैराग स्वाभाविक वैराग स्थिति को प्राप्त करते हैं. और वैराग्य हमें नकल रूप से नहीं करना है, धीरे धीरे भक्ति करने के साथ साथ वैराग स्वतः आता है. विल फील डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपन विल गो टू सिक्लूजन ऑल्सो. धीरे धीरे एकांत कर सकते हैं, धीरे धीरे परिपक्व होने के साथ. प्रभुपाद जैसे बताते हैं कि नाउ यू डू नाइसली प्रीचिंग द टाइम विल कम. धीरे धीरे हम किसी अवस्था में आ सकते हैं कभी शरीर काम ना करे कुछ ना करे तब हम एकांत भजन भी करने की स्थिति में आ जाएंगे. नाउ आज यू एंथुजियास्टिक यू कीप ऑन प्रीचिंग द मिशन लाइक चले. तो ये जो अवस्था है इसको कहते हैं परमहंस अवस्था जो अल्टीमेटम है. जैसे भक्ति विनोद ठाकुर परमहंस अवस्था को प्राप्त करते हैं. सारे ग्रंथ रचना किए, बड़े सुंदर पुत्र विमला प्रसाद जी को प्रदान किए भगवान की वाणी प्रचार हेतु. अंतिम समय भक्ति विनोद ठाकुर क्या करते हैं, भगवान के नाम लेते लेते अष्टकालीय लीला स्मरण करते करते दिव्य स्थिति को प्राप्त करते. वो मंजर ही है, वो शिक्षा देने आए थे हम सबको आकर्षित करने के लिए. तो हमें प्रेरणा लेना चाहिए इस प्रसंग से. और कर्दम मुनि के प्रसंग आगे और बढ़ेगा किस प्रकार भगवान के दर्शन किए हैं और भगवान जो पुत्र रूप में आए हैं. तो दिस इज द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म. बाप से भी बेटा बड़ा है. भौतिक संसार में पिता बेटे को दबाता रहता है, नहीं मतलब ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म द सन इज बियॉन्ड द फादर. एक्चुअली ये प्रसंग आता है मुकुंद के पुत्र थे रघुनाथ रघुनंदन. तो जैसे वो जगन्नाथपुरी आते थे महाप्रभु पूछते कौन बेटा कौन पुत्र, हु इज फादर हु इज सन. तो मुकुंद कहते हैं रघुनंदन मेरे पिता है. दिस इज ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप. सो मैट्रियल रिलेशन ब्रेक्स देयर. ऐसे कर पुत्र शासन करता है अनुशासन करता है पिता, बट ट्रांसेंडेंटल रिलेशन वोंट वर्क्स लाइक दैट. माँ भी सीख रहा है किसे, बेटे से. माँ कौन है, देवहूति. किसे शिक्षा ले रहा है, पुत्र कपिल से. तो दिस ट्रांसेंडेंटल वर्क्स. भौतिक संसार में बोलेंगे छोटा बच्चा है माँ से सीखेगा ना, ना यहाँ ट्रांसेंडेंटल फॉर्मल अलग कार्य कर रहा है. सो दिस इज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड. स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जो नेचर है उसको समझने के लिए इसलिए लोग कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं. भगवान गीता में कहते हैं नहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समार, कि संसार के लोग समझ नहीं पाएंगे इसलिए दिव्य प्रक्रिया को. तो इसलिए क्या है बेहतर स्थिति क्या है कि इसको पालन करते चलिए. डोंट लीव डिवोट द बोट ट्रांसेंडेंटल बोट. ये जो दिव्य धरातल को प्राप्त किए हैं उस दिव्य धरातल को धारण करके रखें. तो आज के प्रसंग में हम देखें कि किस प्रकार कर्दम मुनि भगवान पुत्र रूप में प्राप्त किए हैं, साक्षात दर्शन कर रहे हैं. और भगवान कहते हैं कि मैं जो वचन दिया था कि पुत्र रूप में आऊँगा स्वांश रूप में आऊँगा तो उसका वचन को मैं पूरा किया हूँ, आपके पुत्र रूप में आया हूँ. और उसी अवस्था में कर्दम मुनि भगवान को आभार व्यक्त करते हैं कि मुझे आप मुक्त स्थिति को प्रदान किए. मैं अभी अगली जो वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करके गृह त्याग कर सकता हूँ, स्वाभाविक वैराग्य स्थिति है. तो उसी को प्रभुपाद जो बॉयल डाउन करके शिक्षा देते हैं हमारे जीवन में बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि सन्यास लेने की आवश्यकता क्या है, किसे सन्यास लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए. कोई सन्यास अवस्था को नहीं प्राप्त करके दुखी नहीं हो, हरिनाम के द्वारा भी सब स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है. तो ब्रह्मा जी भी यही बात कहते हैं. ब्रह्मा जी जब भगवान को समझने का प्रयास करते हैं ज्ञान के माध्यम से वो विचलित हो जाते हैं. और ब्रह्मा जी निष्कर्ष देते हैं ज्ञान प्रयास उदपास्य नमंतमेव, कि आपको ज्ञान से भगवान को समझ नहीं सकते हो, आपको करना क्या है,
कि शुद्ध भक्तों की मुखारविंद से भगवान के बारे में श्रवण करो, किसी भी स्थिति में, स्थान स्थितिगता तनुवाक मनु भी। दसवीं स्कंद चौदहवीं अध्याय के तीसवें श्लोक में ब्रह्मा जी की प्रार्थना में आता है कि स्थान स्थितिगता श्रुतिवाक सनुवाक मनु भी, क्योंकि आप सन्यासी हो गृहस्थ हो कंपेयर मत करो, लड़ाई मत करो, जो अवस्था में हो, सन्यासी हो गृहस्थ हो घर में हो ऑफिस में हो किसी भी अवस्था में भगवान के बारे में सुनो, इसी से आप चरम स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। क्या भगवान जो अजित हैं, भगवान कौन है? हु कैनॉट बी कॉन्कर्ड, बट सच ए पीपल सच ए डिवोटी लॉर्ड कैन बी कॉन्कर्ड, अजित अजित लॉर्ड कैन बी इजिली कॉन्कर्ड हु आर फॉलोइंग दिस प्रोसेस फेथफुली। जो श्रद्धापूर्वक इस प्रक्रिया को पालन करते हैं भगवान भी जीते जाते हैं। द अनकंकर्ड इज कॉन्कर्ड, द अनबर्न इज बर्न, दिस इज अ मिस्ट्री एक्चुअली। ओके आई विल स्टॉप हियर, आई टेकन टू मच टाइम प्रभुजी, आई एम सॉरी। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कोई समीक्षा प्रभु जी के द्वारा? नो, ओके, नो आंसर, नो क्वेश्चन, ऑल क्लियर। प्रभु जी का कमेंट है, क्वेश्चन नहीं। हरे कृष्णा। जैसे भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो उनके भक्त उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, जैसे गदाधर पंडित क्या बाढ़ में गया सन्यास, मैं तो क्षेत्र सन्यास छोड़ रहा हूँ, आपके लिए तो सन्यास लिया था, आपको छोड़ के मैं जा रहा हूँ, लेकिन महाप्रभु ने कहा कि ये मर्यादा सही नहीं है। और फिर हरिदास ठाकुर ने ही बोला कि आप प्रभु चले जाएंगे, आपसे पहले मैं लीला समाप्त करना चाहता हूँ। लेकिन इतना उनका हृदय ऐसे बहुत स्ट्रांग थे, इसका मतलब कपिल मुनि के करदम मुनि जो अपने घर में संतान होते हुए भी संन्यास ले लिए, और बहुत बड़ी बात है। कैसे समझेंगे प्रभु जी जो बता रहे हैं, आप सुन पाएंगे ना? गदाधर पंडित के प्रसंग प्रभु जी बता रहे हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं, गदाधर पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि क्षेत्र संन्यास लिए थे, जगन्नाथपुरी से जाएंगे नहीं बाहर, कहते मेरे संन्यास जाओ को धरातल जाओ, रसातल में जाए संन्यास, में परवाह नहीं करता, अगर महाप्रभु के चरण छोड़ना पड़ेगा संन्यास फन्यास की आवश्यकता नहीं है। कई कई प्रभुपाद भी ऐसे करते हैं, कभी कभी माइक्रोफोन खराब होता है, शिष्य को बोलते हैं माइक ठीक करो, ए जनेऊ निकालो ना, यूर अटैच टू दिस जनेऊ, 25 वर्ष के जनेऊ, यूर स्पिरिचुअल मास्टर इज इंस्ट्रक्टिंग, सच एलिवेटेड थिंग एक्चुअली। सो भक्ति एक्ट्स वेरी मिस्टिकली। ये जो पास में जनेऊ का ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बार बार जो माइक था गिर रहा था तो प्रभुपाद ने बोला गिव मी योर जनेऊ। प्रभुपाद जनेऊ? यस योर जनेऊ। तो उसने फिर जनेऊ निकाला, फिर प्रभुपाद ने जनेऊ लेकर के माइक पे बांध दिया, फिर वो स्टेबल हो गया। बकलो करा लगे जनेऊ का ये इस्तेमाल? प्रभुपाद ने बोला जनेऊ जो है वो पांच रात्रि की विधि है, और भागवत कथा जो है हरि कथा ये भागवत विधि है, पांच रात्रि की विधि शुड सर्व भागवत विधि। विद दिस रियलाइजेशन ही सेड दैट ओके यू कैन गिव योर जनेऊ। नहीं, श्रील प्रभुपाद की जय। अनिल प्रभु, यस जी, इफ इट विल बी माय रीच आई विल आंसर, अदरवाइज प्रभु जी विल आंसर, आई विल ट्राई। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी जो कर्दम मुनि जी ने जो अपना गृहस्थ जो सन्यास के लिए गए, और जैसे आपने बताया कि भगवान स्वयं उनके घर में अपीयर हुए थे, तो इसमें यह है कि अपनी ड्यूटी के लिए जो कि वर्णाश्रम का धर्म था कि सन्यास लेना चाहिए, जो मैं आपसे समझाऊं कि उस लिए उन्होंने इवन उनके भगवान उनके घर पे थे, जो कि हर एक मनुष्य का मतलब गोल होता है, फाइनल गोल की भगवान के शरण लेना, और स्वयं भगवान के घर पे हैं, पर क्योंकि उनका वर्णाश्रम का धर्म था इसलिए उन्होंने सन्यास ले लिया। और जैसे आपने कहा कि अभी एक श्रीमद् भागवतम में एक वर्ष आता है कि जब कोई हृदय से भगवान के चरणों की शरण ले लेता है तो सभी तरह के दायित्वों से मुक्त हो जाता है, जैसे कि देवता ऋषि
सभी तरह के मनुष्य इन सबसे मुक्त हो जाता है। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा कि एक तरफ अपने दायित्व के लिए भगवान के को छोड़ रहे हैं, मतलब अपने घर से, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि एक बार शरण ले ली तो बाकी दायित्व इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। आप बोलेंगे कि भाई उनकी पत्नी है, बच्चा है, लालन पालन कैसे होगा, छोटे छाड़ के घर चले गए, दायित्व के कैसे चलेगा। परम भगवान आ गए, जीवन के चरम लक्ष्य जो पर्टिकुलरली आए हैं कपिल देव, वो दिव्य ज्ञान की वितरण के लिए सांख्य योग जो पर्पस है, उनके आने के आगमन के कारण है। तो जो परम भगवान कहते हैं, जो हम भजन गाए कि भगवान इज द मेंटेनर एक्चुअली, कि जाने की बोले तुम्हारा धाम इत हई तो हईनु शरणागत, कि सच ए डिवोटी लॉर्ड विल पर्सनली मेंटेन देम एक्चुअली, दे हैव फुल फेथ। व्यक्ति क्यों घर नहीं छोड़ता है, मेरा बेटा का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, अरे ठेका ले आए तू, विश्वास नहीं है ना, इसलिए घर में रहना पड़ता है अंधकूपम। तो जानता है मैं चले जाने के बाद भी फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान मेंटेन करेंगे, ये लोग रहेंगे, मरे नहीं जाएंगे। वी स्टिल यू हैव डाउट, यू हैव टू स्टे देयर। आई मीन स्ट्रांग कॉन्फिडेंस कम्स बट नॉट विथ आर्टिफिशियली, स्ट्रांग स्टेज इज ऑल्सो अटेंड, देन यू कैन क्विट एक्चुअली। तो यहाँ जो बताई गई है कि भगवान पुत्र रूप में आने के बाद भी कर्दम मुनि घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं, ये पर्पस इज हायर, ही अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। आपके बोलेंगे घर में तो पूजा पाठ करता हूँ, हम भी तो भक्ति करते हैं, घंटी बजाते हैं घर में हमारी मूर्ति, फिर वृंदावन जाने की क्या जरूरत है, दिस इज द मूड एक्चुअली। घर में भी विग्रह है, फिर वृंदावन धाम में आप जाके कृष्ण बलराम जी के दर्शन क्यों कर रहे हैं, आने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है, हायर पर्पस एक्चुअली। तो दिस इज द डिवोटी हू अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान क्या चाहते हैं, शास्त्र क्या कहता है, उसको स्थापित करना बहुत आवश्यक है। इसी को स्थापित करने के लिए ही कर्दम मुनि आगे कदम उठा रहे हैं, इवन लॉर्ड इज देयर टू, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं टू सर्व द लॉर्ड इन बेटर वे देन स्टेइंग क्लोज टू द लॉर्ड एक्चुअली। भगवान की सेवा करना, कभी कभी जन्माष्टमी वगैरह लोग कहते हैं भगवान के पास रहूंगा, सेवा उधर नहीं करूंगा, जूता स्नान में सेवा, भगवान जितने दूर विरह होगा, ही डोंट फीलिंग लाइक दिस, मोर प्लीजिंग टू लॉर्ड एक्चुअली। लोग अपरिपक्व में सोचते हैं कि भगवान से दूर चले जाए, भगवान तो सब जगह है, खाली ऑल्टर में नहीं, आपके हृदय में बैठे हैं, घर कण कण में है, सब जगह में है। तो आप जूता सेवा करो, भगवान प्रसन्न है, आपके हृदय को प्रसन्नता मिलेगी। सो दिस हायर पर्पस, डिवोटी अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। सो दिस इज मल्टी डायमेंशनल एक्चुअली। ओके, हाँ कमेंट भाई स्वयं मोहन प्रोवेश। हरे कृष्ण, थैंक यू जी फॉर सच ए डिवाइन लेक्चर ऑन सन्यास एक्चुअली। और आपने बताया कि तन और मन और तन मन शरीर का धंधा जो है बेसिकली इट शुड बी एंगेज इन लॉर्ड, दैट इज एक्चुअली सन्यास। तो गुरु महाराज भी बोलते हैं गोपाल कृष्ण महाराज की वन शुड, एवरी वन कैन नॉट बिकम ए सन्यासी बट वन शुड कैरी द मूड ऑफ ए सन्यासी। तो प्रभु जी क्या हमको हर समय प्रयास करना चाहिए, ऐसे अपनी बॉडी और वर्ड को निरंतर याद रखना चाहिए इस चीज़ को, क्या मतलब जैसे तो हम तो जी भौतिक दुनिया में रहते हैं तो बार बार मेटेरियल वर्ल्ड में तो मेटल काम ही है सारे, तो हमें क्या मतलब अपनी एक्टर जिसको याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, बार बार रिमाइंड करना चाहिए, कैसे करें मतलब। इम्पोज प्रेशर ऑन द माइंड एक्चुअली नेचुरल, जैसे प्रभुपाद समाधि अवस्था का अपने पर्पट में बोलते हैं भगवद गीता में, यू आर प्लकिंग फ्लावर फॉर द लॉर्ड, यू आर कुकिंग फॉर द लॉर्ड, दिस आर एंगेज लाइक, कि आप दिन भर कुछ ना कुछ कार्यकलाप में लगे जो भगवान के प्रसन्नता के लिए, यू आर समाधि लाइक। हाँ जरूर नहीं खाली नाम जब, जैसे वृंदावन में प्रभुपाद के एक शिष्य थे, हाँ तो प्रभुपाद आदेश देते ही वॉज जस्ट कुकिंग समोसा, नो चैंटिंग, होल राउंड ही वॉज कुकिंग ओनली, ही गो टू स्पिरिचुअल अवॉर्ड, बिकॉज इन द भक्ति प्लेटफॉर्म एवरीथिंग इज ट्रांसेंडेंटल। आप झाड़ू भी लगा रहे हो, दिव्य स्थिति है, हम तो कंपेयर करते नहीं, ये बड़ा है छोटा है भौतिक स्थिति पर, बट द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म एवरीथिंग इज ट्रांसेंडेंटल एक्चुअली। तो स्वाभाविक रूप से हम कीर्तन में भाग ले रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, यस यस यस, यू आर टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ भक्ति। ऐसे नहीं कि आप बच्चे को फेंक के आप आरती करो, प्रभुपाद कहते हैं कि डेटी वर्शिप, चाइल्ड वर्शिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन डेटी वर्शिप। तो मूड समझना चाहिए, कभी इमैच्योर ना गड़बड़ी करते हैं, इसलिए लोग भक्ति पे श्रद्धा चल जाती है, अरे उधर पत्नी बच्चा रो रहा है तू माला लेके कभी इमैच्योरिटी आता है लोगों के एप्लीकेशन में, ये नेचुरल एक्चुअली। जी माता जी ऐसे बोल दीजिए माइक। अच्छा हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने हाँ ऐसे बोलिए, आपका तेज है आवाज, आपने बोला कि
आप बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन आपने बताया कि एक पुत्र भक्ति करे तो 21 पीढ़ उद्धार हो जाएंगे और एक कन्या भक्ति करे तो किस कुछ होना इक्विपोटेंट वैष्णवी वैष्णव इक्वली इंपोर्टेंट देर आर वैष्णवी हेमलता ठाकुरानी वो डॉटर ऑफ श्रीनिवास आचार्य देर जाह्नव माता इन आवर मूवमेंट वैष्णव वैष्णव इज नॉट डिस्क्रिमिनेट लाइक और वैष्णवी ऑल्सो पोटेंशियल हमारी मुंडलन में जैसे बॉडी लाइक वुमेन बॉडी बट देर डिवोटी लाइक वैष्णवी जैसे आप प्रश्न सुने होंगे जो गोविंदम आदिपुरसम माता जी गाती है जमुना माता जी तो तमाल कृष्ण महाराज वाके सन्यास प्रभुपाद विल बी हियरिंग टू ए माता जी लेडीज लाइक ओ यू आर इन दैट प्लेटफॉर्म यू आर थिंकिंग इज वुमेन. एक बार गोविंददासी माता जी पूछी प्रभुपाद से कि प्रभुपाद मैं सुना हूँ कि जो प्रभु होते हैं उनके 64 आउंस ब्रेन होता है स्त्रियों का 32 आउंस है तो प्रभु लोग जल्दी भगवत धाम चले जाएंगे माता लोग जा नहीं पाएंगे. हाँ ऐसे होगा प्रबल ऐसे होगा बिकॉज यू थिंकिंग लाइक दैट यू आर थिंकिंग वुमेन इज लेस देन मेल सो यू विल बी विल हैपन लाइक दैट. सो दे आर इक्वली इंपोर्टेंट द वैष्णवीज आर इन दिस मोमेंट आर ग्रेट लाइक इस आंदोलन से जुड़ने वाले माता जी भी कोई ऑर्डिनरी नहीं है द ग्रेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड एक्चुअली सो दे कैन ऑल्सो डिलीवर दैट फॉर फादर्स. ओके माता जी प्रभु सहमत है कुछ और बता. ये जो है जिस दिस वेयर द लेडी आस्क्ड कि वुमेन हैव गॉट 32 आउंस ब्रेन एंड मेन हैव 64 आउंस ब्रेन तो प्रभुपाद ने बोला वेल आई कैन सी इन ऑल माय फीमेल डिसाइपल्स दे हैव मोर देन 64 आउंस ब्रेन सो दैट इज लेडीज शुड नॉट थिंक दैट वी आर लेडीज. एक लेडी बोली श्री प्रभुपाद क्या स्त्रियां कम बुद्धिमान होती हैं. प्रभुपाद ने बोला आर यू अ वुमन कहते यस प्रभुपाद ऑफ कोर्स आई एम अ वुमन. तो भगवान ने कहा देन यू आर एक्चुअली लेस इंटेलिजेंट बिकॉज यू थिंक दैट यू आर अ वुमन यू आर अ सोल वंस यू थिंक दैट यू आर अ सोल देन यू आर इक्वली इंटेलिजेंट. तो थिंकिंग प्रोसेस मैटर्स अ लॉट. वैदिक टीचिंग्स बेस्ड ऑन सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग. कैसे आप सोचते हो मैं तो स्त्री हूँ भक्ति नहीं कर सकता ये पुरुष लोग संन्यास लोग है केवल भगवत धाम में जा पाएंगे मैं तो जा नहीं पाऊंगा शायद ना. ओके हाँ कुछ पूछ विल टेक आवर वाइंड अप प्रभुजी डायनेमिक्स. आई एम टेकिंग रिस्क बिकॉज प्रभुजी इज हियर इफ आई वोंट एबल टू आंसर प्रभुजी विल आंसर. हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी ऐसे बोलिए मशीन से भी आपकी आवाज तेज है. प्रभुजी बहुत अच्छा लेक्चर था बहुत ही अच्छा लेक्चर था प्रभु जी. जैसे कई बार हम बाहर जाते हैं तो कई जो जैसे शिव पुराण पढ़ने वाले व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि यार इस्कॉन तो मतलब शिव जी को मानते ही नहीं है. तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे इस्कॉन में भी शिव जी की भी पूजा होती है जैसे शिव महाशिवरात्रि वगैरह में होती है ना. तो वो लोग बोलते हैं कि जैसे कि हमने शिव पुराण में पढ़ा है कि विष्णु जी भी उनके अंश हैं. हम लोग जैसे हम लोग यहाँ जानते हैं कि कृष्ण जी ही गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि. तो मतलब वो लोग कहते हैं कि यार इसी बात का हमें गुस्सा आता है कि शिव जी सबसे बड़े हैं और वो लोग तुम लोग कहते हो कृष्ण बड़े हैं. वैसे में क्या करना चाहिए. तो कोई कुछ बोले हमें नहीं सुनना है. वी हैव टू लिसन टू अथॉरिटी प्रामाणिक पुस्तक को सुनना चाहिए. तो वो लोग शिव जी के जितने गुणगान नहीं जानते वैष्णव गुणगान शिव जी का ज़्यादा जानते हैं. वो खाली गंजा अफीम यही सब सीखे हैं शिव जी के बारे में बियॉन्ड कुछ सीखे नहीं. द वैष्णव विल ग्लोरीफाई शिव जी. शिव जी इज हम बोलते ना शिव सुख नारद प्रेम गद गद लॉर्ड शिव इज मैड इन चैंटिंग होली नेम. तो शिव जी की जो महिमा है परम वैष्णव के रूप में वो ग्लोरीज वैष्णव ज़्यादा जानते हैं. उनको बुलाइए चर्चा करिए हाउ वैष्णव इज ग्लोरीफाइंग शिव एंड दे हैव कॉन्सेप्ट ऑफ शिव. उनकी धारणा देखेंगे और शिव की स्थिति वैष्णव वर्णन करेंगे देखेंगे हाउ ग्रेट इज लॉर्ड शिव. ऐसा नहीं कि हम शिव जी को निम्न ये तो भौतिक धरातल है शिव छोटा विष्णु बड़ा ब्रह्मा छोटा यही अपराध करते हैं हम. हमारी छोटी ब्रेन यही सोचता है छोटा बड़ा बड़ा मतलब ये छोटा हो गया. नो दे हैव देयर यूनिक पोजिशंस. लॉर्ड शिव इज भगवान शिव जी की भी एक विशेष स्थिति है एक्चुअली. शिव तत्व इज देयर लाइक यूनिक पोजिशन. प्रभु जी जैसे जैसे रामायण में आता है ना प्रसंग की मतलब भगवान राम समुद्र के किनारे भगवान खुद शिव जी की पूजा करते हैं. ऐसा क्यों तो भगवान की प्रिय है भक्त. लॉर्ड चैतन्य जब लिंगराज मंदिर जाते हैं शिवराम गोविंद करके नृत्य करते हैं हाउ बिलव्ड माय डिवोटी इज लॉर्ड शिव.
ही नोज व्हाट इज द पोजिशन ऑफ लॉर्ड शिव. तो भक्त का गुणगान भी भगवान करते हैं कि नहीं? करते हैं. सुदामा आते हैं तो भगवान स्वयं पद प्रक्षालन करते हैं. मेरी भक्त की स्थिति बहुत महान है. जो संसारिक लोग मेरे को नियंता मानते हैं, मैं ये भक्त द्वारा नियंत्रित होता हूँ, इसलिए मेरी भक्त की स्थिति मेरे से भी श्रेष्ठ है. दिस इज लॉर्ड प्रभु जी. वैसे तो हम अमोघ लीला प्रभु जी का बराबर वीडियो सुनते रहते हैं तो क्लियर होता है. सारे डाउट क्लियर करने के लिए तो पूछ लिया. थैंक यू. ओके ठीक है. श्रील प्रभुपाद की जय. संबद्ध गौर भक्त वृंद की जय. निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल.